बचपन से मैं तुझे बाप्पा बुलाती आ रही हूँ, पर सच में तो तूने मुझे एक बाप बनकर ही पाला है। पूरी जिम्मेदारी उठाई है तूने मेरी। आज मैं जो भी हूं ना, तेरी वजह से हूं। वरना उस 8 साल की बच्ची की कहां इतनी मजाल कि वो जिंदा रह पाती। आ जाए की बरसी है बप्पा, 14 साल हो गए। तुझे क्या लगता है बप्पा, अगर आज आई होती तो क्या मुझे पहचान पाती? हाँ नहीं पहचान पाती, पता है क्यों? लड़ाई उन्होंने शुरू की थी ना, तो तू तो खत्म कर सकती थी, तुझे लड़ने की क्या जरूरत है? कितनी बार समझाया तुझे, ऐसा कुछ मत कर। सूरत तो बदल ही गई है, पर सीरत भी ऐसी बदली है कि आई देखती ना तो चिल्लाती, कहती नहीं नहीं शक्यच नहीं, ये मेरी आर्या हो ही नहीं सकती। मेरी आर्या के तो नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है हमेशा। जब भी भी गुस्सा आए ना, पहले अपने आप को शांत कर ले। मैं बहुत ट्राई करती हूँ आई, पर वो होता ही नहीं है। अगली बार गुस्सा आए ना तो मुझे याद कर लेना। पर पता है पापा, जो आई एक बार मुझे छू लेती ना, तो यूं तुरंत पहचान जाती कि ये मेरी आर्या है, क्योंकि मेरी रगों में उसी का खून, उसी के संस्कार है। पापा, जैसे तूने मेरा रखा है वैसे तू मेरी आई का भी ख्याल रख रहा है ना? हाँ बताना हा कि उसकी हरिया बड़ी हो गई है और बड़ी होशियार भी। अरे देवा, लेट हो गया ना, कितनी बातें करता है रे तू। हाँ तुझे तो पता है ना कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। असो ये तेमी। स्मूदी बना रही थी। अच्छा मैम, आपको आज शाम को वो डिनर पर जाना है ना, अपने सीनियर के यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। ओह यस, वो तो मैं भूल ही गई थी। मुझे लगा ही था। अच्छा मैम, मैं ना आपके लिए वो गिफ्ट भी खरीद लिया है, चांदी के बाप्पा वहाँ पे टेबल पर विराजमान है, देखिए गिफ्ट बॉक्स में। अब उन्हें मत भूल जाइएगा प्लीज। इस लड़की की आंखों से कोई चीज नहीं चुभती। By the way, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? मैम अभी तक आया नहीं है, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। मैम लाइए, मैं रख देती हूँ। मैम आप बहुत प्रिटी लग रही है। जहाँ तक हमें याद है ये कुर्ती भी तुम ही लाई थी ना हमारे लिए। बहाने ढूंढती रहती हो ना तुम इस वर्दी को छूने के। चेहरा देखो अपना, कितना इमोशनल और सौम्य हो जाता है इस वर्दी को देखते। हमसे ज्यादा तो तुम्हें लगाव है इस वर्दी से। वो क्या है ना मैम, अपनी इस वर्दी को हकीकत में पहन ली है, पर मैं तो अब भी इसे सपने में ही पहनती हूँ। ये एक ही तो सपना है मेरा, एक ही इच्छा, एक ही लालच। मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगी कि इस वर्दी के मायने क्या है मेरे लिए। इस वर्दी के सच्चे हकदार सिर्फ आप ही हैं अंकुश। क्या
ये पुलिस नहीं, सुपर हीरो है। देखो ना बाबा, आपकी आर्या अब भी आपके आसपास है। पता है मैम, मैं जब भी इस वर्दी को देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बाबा कहीं आसपास ही है। ये वर्दी मेरे बाबा की हिम्मत और निष्ठा के धागों से बनी है। ये बैच मेरे बाबा की पहचान है। ये सितारे उनकी कमाई है। ये एम्बलम, मैं जब भी इस एम्बलम को देखती हूँ ना मैम, तो मुझे ये मेरा कर्तव्य याद दिलाता है। 100 बार सुन चुके हैं ये बात, लेकिन हर बार उतनी ही शिद्दत से कहती हो ये लाइन्स। पूछती हो तुम इस वर्दी को, साफ दिखता है, लेकिन आज का दिन इम्पोर्टेंट है ना, घर का काम नहीं होगा, एक दिन कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, जाओ। नो मैम, ड्यूटी इज ड्यूटी, चाहे छोटी हो या बड़ी, कोई भी दिन क्यों ना हो, फर्क पड़े ना पड़े, कभी ड्यूटी से नहीं चूकते, राइट? तुमने यहाँ आकर ना अपनी नहीं हमारी जिंदगी सवारी है। गॉड ब्लेस यू, बहुत मिस करेंगे तुम्हें। मिस करेंगे? आप कहीं जा रही है? मैंने तुम अकेडमी। हमारा दिल कहता है कि आज के रिजल्ट के बाद ना तुम्हें फाइनली विदा करने का वक्त आ ही जाएगा। फिर यहाँ नहीं मिलेंगे, वहां मिलेंगे अकेडमी में, ठीक है? अब हम निकलते हैं, वो फाइल्स लेने कोई आएगा उसे दे देना। ओके मैम। रिजल्ट के बारे में बताना हमें फोन करके। ये रिजल्ट का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? हो जान काका, पैनिक न का करो, अब तक ऑनलाइन रिजल्ट आया ही नहीं है। लेकिन ऑफलाइन तो आ गया ना बेटा, वो क्या है ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा था। सुबह 4 बजे से मुर्गे की तरह जाग रहा था, आखिर तेरे वो सेंटर जाके मैं लेके आया। और बेटा तू पास नहीं हुई है? अरे बेटा तू अव्वल आई है, यूपीएससी मेन में नंबर 1। क्या कागा, मैं 5 मिनट में, 5 मिनट में। अरे थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीती रहे थी। आज तो खुशी का दिन है, मेरे आंसू क्यों? खुशी के आंसू है ना बेटा, आज बह जाने दे। अरे बेटा गर्व है मला तुझ्यावरती। एक छोटी सी बच्ची तू, बिन माँ बाप की नन्ही सी घायल परी, उसमें से बाहर निकलकर तूने दो दो घर संभाले, अपने आप को संभाला बेटा। हा? ये जान रहो काका, उसको भी तूने संभाला। ए,
बहुत बड़ी बात है रे मेरे लिए। बैठिए। और आपका क्या? आपकी तपस्या का क्या? जान का कहा आप वो सीढ़ी को पूरे भरोसे के साथ पकड़ के खड़े थे जिस पर मैं चढ़ रही थी। आसान नहीं है। बेटा ये एक दूसरे की तारीफ ना बहुत हो गई। ये तेरे हाथों की लकीरों में ना वो बेलन और कढ़ाई नहीं है, कानून की छड़ी लिखी है। काका, मेरे हाथ की लकीरें तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन बाबा ने मेरे नन्हे हाथों को थामा था। अब मुझे उनकी सीख पर चलना है। काका मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। वो बाबा वाली वर्दी पहननी है किसी भी कीमत पर। मेरे पास मेरे आई बाबा की एक तस्वीर भी नहीं है। पता है कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मेरे आई बाबा दिखते कैसे थे। कहीं उनकी वो सारी यादें धुंधली ना हो जाए। मुझे एक बात का पूरा यकीन है, दोनों की सीख कभी धुंधली नहीं होगी और ना ही धुंधला होगा वो सब जो मेरे आई बाबा ने भुगता है सत्या राज जोड़ करके हाथों। तभी तो मुझे आईपीएस बनना है काका, क्योंकि मेरी वर्दी ही वो सीढ़ी बनेगी जो मुझे सत्या राज जोड़ करके गिरबान तक पहुंचाएगी। काका देख बेटा, तू ये सब भूल क्यों नहीं जाती? मैं कैसे भूल सकती हूँ उस इंसान को जिसने मेरे आई बाबा को मारा है। बेटा बेटा तेरे मर क्या? जो बरसों पहले किया उसकी कीमत तो चुकानी होगी ना काका। मेरा बचपन छीना उस आदमी ने, माँ की लोरी, बाबा की डांट, आई का अचल, बाप का साया, सब छीना उस आदमी ने एक 8 साल की बच्ची से। मैं तो अपने हाजी आजुबा को उनके आखिरी समय में मिल भी नहीं पाई, उनका आशीर्वाद नहीं ले पाई, उनकी सेवा भी नहीं कर पाई मैं। और गोड़का की और जही, वो तो मैं जाने किस हाल में किस मजबूरी में जी रहे होगे, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है हमें। और आप जान काका,
काका आपका भी तो वनवास चल ही रहा है ना। 14 साल से आप अपनी मैना से दूर है ताकि मैं उस दरिंदे से बचकर रह सकूं। देख बेटा, ये रास्ता जो तूने चुना है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। काका, अगर मैं रास्ते की परवाह करूंगी तो मेरी मंजिल बुरा मान जाएगी। काका, सत्या राजवड़कर इस अंधे भरोसे पर जी रहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और वाकई उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है काका, सिवाय एक, सत्या राजवड़कर खुद। काका, अब उसी के मुंह से उसी की करतूतें उगलवानी है। वो खुद ये कबूल करेगा कि उसने मेरे आई बाबा को मारा है, और फिर मैं ठीक अपने बाबा की तरह वो पवित्र वर्दी पहनकर कानून की शपथ लेकर उसके घर में घुसकर उसे हथकड़ियां पहनाऊंगी और जेल पहुंचाऊंगी मैं काका, ठीक वैसे जैसे सालों पहले बाबा ने किया था, और पिछली बार की तरह नहीं काका, जब वो 8 साल में रिहा हो गया था। इस बार अगर वो रिहा होगा तो सीधा अर्थी पर। हर करतूत की एक कीमत होती है। He cannot get away with what he did. पापा, मुझे नहीं पता कि ऊपर आने के बाद पुण्य और पाप का हिसाब होता है कि नहीं, लेकिन मुझे सब यही सेटल करना है। लड्डू हजम, खेल खत्म। चला काका, आशीर्वाद दो। यूपीएससी का इंटरव्यू है ना। पिछले साल मेरे दोस्त से पता है क्या सवाल किया था? कि अगर कोई प्लेन इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर क्रैश होता है तो जीवितों का अंतिम संस्कार कहाँ होगा, इंडिया में या नेपाल में? घुमा के नहीं दिमाग, ऐसे सवाल पूछते। जो मर गए उनका अंतिम संस्कार होगा, जीवितों को तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा ना। ऑल द बेस्ट। मिस आर्या, अगला नंबर आपका है। ओके मैम। पापा, इंटरव्यू में साथ देना। हाँ सत्या राजवड़कर, को ना आज तक कोई रोक पाया है और ना रोक पाएगा। सच्चाई छिपाने से नहीं छिपती, सरकारें आएगी और जाएगी, लेकिन मालिक एक होना चाहिए। कोई चाहे रहे या ना रहे, लोकतंत्र सलामत रहना चाहिए, और उसे सलामत रखने के लिए
आपका ये सेवक अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए हम अगले सीएम चुनाव में लड़ेंगे। सत्य राजवर्धन, फ्यूचर सीएम ऑफ महाराष्ट्र। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.